निश्चित भाव में 17 तारीख रही पिपिलीर उपनिर्वाचन एथपाई तीन प्रमुख दल पक्ष जोरदार चलती प्रस्तुति यार भितर जी अच्छा बीजेडी प्रार्थी रुद्र प्रताप महारती से संपूर्ण भाव में पूरा प्रस्तुत हो पड़ते प्रति गांव को बुलूं मत भोट भिक्षा करने सीधा सख्त आम आलोचना करवा आम सहित सत्यदास कुमार वर्मा अच्छा जे योजना बोर्ड उपाध्यक्ष सर जानवाक चाहिए बर्तमान सुधा किभ भाव में प्रस्तुत चलती जो भाव में मुख्यमंत्री प्रचार रही केवे कौन तारीख प्रस्तुत करमी भाव में प्रचार चलती और कैसे आशावादी आप पिपिल एटी गोटे एकपाखिया निर्वाचन होगा जाऊँ आपण जानते दिवंगत नेता प्रदीप महारथी आवर्तमान ये गोटे उपनिर्वाचन होगा जाऊँ पिपिली डेलांग प्रदीप महारथी कर्मभूमि एवं छात्र अवस्थार प्रबाद पुरुष स्वर्गत विजुबाबू जन घनिष्ठ सहयोगी हिसाब से छात्र राजनीतिर आज पर्यंत दीर्घ चारि दशंधि ऊर्ध समय ये माटी से संग्राम एवं गोटे लंबा समय धरी ओडिशा विधानसभा प्रतिनिधित्व माननीय मुख्यमंत्री नवीन बाबू को मंत्रिमंडल दुईट गुरुत्वपूर्ण विभाग से दायित्व नहीं गोटे कृषि विभाग एवं गोटे पंचायतराज विभाग एवं से कृषि मंत्री थिला नेतृत्व में ओडिशा रो चासी कुलर जो उपलब्धि कृषिकर्मण पुरस्कार आम पाइचु जोटा सर्वभारतीय स्तर रे उत्पादन रे ओडिशा आज तृतीय राज्य आपण माने जानिकरी जोटा ओडिशा पे गोटे बड़ बेंचमार्क 2003-04 जेतेबळे ओडिशार चासी कुल हाथ टेकी देथिले एफसीआई पाखरे धान पई जेतेबळे सर्वनिम्न सहायक मूल्य पाइबार वंचित होतले सेतिकी बळे विकेंद्रीकृत धान संग्रह व्यवस्था आरंभ करा गला माननीय मुख्यमंत्री आमे राज्य सरकार आमे एफसीआई सहित एमओ कलु विकेंद्रीकृत धान संग्रह व्यवस्था मध्यम ओडिशा आज उत्पादन गोटे चरम सीमार पहुंची एवं 65 लाख मेट्रिक टन उत्पादन सारा भारत वर्षरे ओडिशा वर्तमान तृतीय राज्य उत्पादन एवं प्राय 10,000 रु 15,000 कोटी वर्तमान इनफ्यूज करा जाउची रूरल इकोनोमी की जो थे मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाषी कूल को दि जाऊँ एवं विशेषकर आप देखुवे दया भार्गवी मकरा लुणा रत्नचेरा जी महानदीर जी उद्बुद्ध प्राणी यही बाटे आसिक चिलिका को जाए ये एकमात्र पुरी जिलार एकमात्र निर्वाचन मंडल जो केनालाइजेसन हो केनालाइजेसन हो 80 दशक तार संपूर्ण श्रेय जीव दिवंगत नेता प्रदीप महारथी की कारण से विजुओं समय उपमुख्य सचेतक थे से विजुओं सहित एत प्रभाव रही जो ये केनाल सिस्टम गुड़िक जहाँफल भार्गवी में जो पा आसुची डेलांग पिपिलीर चाषीकूल दीटा फसल करने सक्षम होती डेलांग पिपिल है कर्मभूमि एटी से लड़े मेहनती मनीष से संग्राम कर आज तर तिरोधान मोर गभीर विश्वास आवर्तमान डेलांग पिपिलीर भोटर भाई माने माँ माने युवक साथी माने तांकर जो आउ 3 वर्ष रही से 3 वर्ष सुपुत्र रुद्र महारथी को शंख चिन्ह भोट खंडे देबे एवं से भोट खंडिक जीव भारत वर्षर लोकप्रिय मुख्यमंत्री नवीन बाबू को पाखु एवं से भोट खंडिक हब दिवंगत नेता प्रदीप महारथी प्रति शेष श्रद्धांजलि आउ जो राजनैतिक दल माने प्रचार करछंती बाबदर कौन टीका टिप्पणी देवा चाहेना कारण डेलांग पिपिली हेला प्रदीप महारथी कर्मभूमि यू से लड़े संग्राम करी बहुबार डेलांग पिपिलीर चाषी कूल जेल जाइछंती तेणु डेलांग पिपिलीर जो स्वाभिमानी भोटर भाई भौनी माने ये सुजोग को हाथ छोड़ा करिवेनि एवं तांकर मूल्यवान भोट गंडिक निश्चित भाव में शंख चिन्ह देवे नवीन बाबू का हाथ मुठा को टाण करेंगे जो गत काल तो चर्चा होती मुख्यमंत्री पिपिली आसवे रुद्र महारथी प्रचार करने तारीख कौन निर्धारित करा प्रारंभिक भाव में निष्पत्ति 15 तारीख दिन माननीय मुख्यमंत्री डेलांग पिपिलीवासी की भोट भिक्षा करेंगे एवं किभली भाव में भोट भिक्षा करेंगे कौन तरीका रिभली भाव में माननीय मुख्यमंत्री आसवे डेलांग पिपिलीर जनसाधारण सहित कनेक्ट हे से संपर्क में
दल तरफ़ आहरी टी अधिक आजिकल भितर से संपर्क में शीर्ष स्तर में आलोचना हम एवं से आलोचना पर गोटे पूरा एंटायर माननीय मुख्यमंत्री किभली भाव में लोक कम्युनिकेट करेंगे डेलांग पिपिलीर भोटर भाई भाई केमी कम्युनिकेट करेंगे से संपर्क चूड़ान रणनीति प्रश्न आज जानवाक चाहिए आपते भोट व्यवधान में विजयी हमार आशा अच्छी जानवाक शुणु ये गोटे ए संपर्क में गोटे मत दबाटा गोटे अहंकार प्रश्न हम किंतु मोर गभीर विश्वास डेलांग पिपिलीर भोटर भाई भौनी माने स्वाभिमानी मेहनती मनीष चाषीकूल युवक छात्र माँ मैने गोटे एकपाखिया भोट विजु जनता दल सपक्ष देवे गुरुत्वपूर्ण भोट खंडिक शंख चिन्ह नवीन बाबू हाथ मुठ को टाण करें दिवंगत नेता प्रदीप महारथी जो स्वप्न रो डेलांग पिपिली जो मटीपी से गोटे लंबा लड़े लड़ी निश्चित भाव ये निर्वाचन रे तार प्रतिफलन हम एवं जीए नवीन बाबू प्रार्थी रुद्र महारथी विपुल भोट्रे निर्वाचित हो ओडिशा विधानसभा को गोटे कथा होती कि रुद्र महारथी जब लोक भेट गोटे प्रतिक्रिया होती बापा स्वप्न को साकार कर स्वप्न सब कौन गुड़ा जानवाक चाहिए शुणु स्वर्गत विजु बाबू सहित जिते प्रदीप महारथी राजनीतिक जीवन आरंभ करते पूरी एसीएस कॉलेज छात्र नेतार युव नेता एवं दलर नेता तापर सारा राज्य नेता हिसाब से प्रदीप महारथी गोटे स्वतंत्र परिचय था ओडिशा राजनीति में ओडिशा अण कांग्रेस राजनीतिर से थिले जन दिग्गज नेता एवं प्रदीप महारथी ये मटीपाई संघर्ष करी से चली जाइंट आम पाखर एवं तांकर व्यक्तिगत जीवनशैली एवं व्यक्तिगत ये लोकों सहित जो भाई भाव में मिशंती से निज प्रति बहुत अत्याचार कर खाइबा ठीक समय खाइबे ठीक समय शोबे ठीक समय औषध खाइबे एवं तांकर जदि गोटे दीर्घ कर्ममय जीवन को आपण जदि अनुशीलन करेंगे से डेलांग पिपिली से कहती सबुआडे बुली आसला मत जदि टिके शांति मिले तबे मुझे डेलांग पिपिलीर लोक पलि आसे मुझे ये आसिक डेलांगे आसिक पहुँच जाए से जो आनंद पाए मुझे आनंद मुझे से निर्वाचन मंडल गोटे लंबा समय धरी प्रतिनिधित्व करे अंचल से हेले माटीर मनीष जीवदशार एटी किभली भाव सबुबले गोटे प्रायोरीटी चाषी एपं आज देखु एटी भार्गवी सिस्टम जितोटी केनालाइजेसन ये सब केनालाइजेसन 20-25 वर्ष तलुच जोटा पूरी जिलार एकमात्र निर्वाचन मंडल जो आम ईर्षा करूँ जे भार्गवीर पा जो भाव में केनाल सिस्टम रे आसे जितेबले लुणा रत्नचीरा दया पा मिसे तार पूरा विधिवध आयकटे पा आसे ये एटी मेन केनाल पर जदि पुरी जिलार एकमात्र निर्वाचन मंडल जो काड़ा केनाल को चाषी तलमुंड पर्यंत पा जाए से है डेलांग पिपली जदिओ बेले बेले बन्या आसी अंचल क्षति घटे किंतु केनालाइजेसन करिवारे ओडिशा रे जो किसी लोक हाथ गणति लोकों हृदय भितर रे है प्रदीप महारथी से चाषी कूलर मु तो कह ओडिशा विधानसभा आप देखिथे आलोचना से मंत्री हिसाब से विभाग दायित्व रही लंबा समय किंतु जिते से विधायक रही से कौन सी दलर पक्षभुक्त होना से सब बड़े ओडिशा विधानसभा भितर एवं बाहर चाषी कूल से स्वर होती तेणु तांकर जो स्वप्न थिला तांकर जो अपूरणीय कार्य आई रही दी तीनोटी आर डी ब्रिज वर्तमान चली जोरसोर चली कम पूर्णांग हबार बाकी रही दुईटी आदर्श विद्यालय से एवं सांक्शन करते गोटे डेलांग गोटे पिपिली से मध्य निर्माण कार्य आरंभ हम एवं विशेषकर कम्युनिकेशन आपण देखते हैं डेलांग पिपिलीर जो प्रकार कम्युनिकेशन एपटे खोर्धा पटु देखु सेपटे भुवनेश्वर पटु देखु एपटे ब्रह्मगिरी पटु देखु सेपटे शुक्ल पटु देखु जगन्नाथ सड़क सहित देखु एकमात्र कन्स्टिट्युएंसी जोटा कनेक्टेड पूरा एंटायर ग्राम्य भित्तिमि की सुदृढ़ करने प्रदीप महारथी गोटे लंबा समय धरी ये समर्पित भाव में
ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହିବି ସ୍ୱପ୍ନ ସେହିଦିନ ଶେଷ ହେବ ଯେଉଁଦିନ ଆମ ଜୁଇ ଜଳିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟେ ଅସରନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିଥିଲେ, ଯୁବ ନେତା ହିସାବରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଦଳର ନେତା ହିସାବରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଚାଷୀର ନେତା ହିସାବରେ ଦେଖିଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ କେଉଁଠି ଶେଷ ହୁଏନି, ସ୍ୱପ୍ନ ସେହିଦିନ ଶେଷ ହେବ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ଜୁଇ ଜଳିଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍କର ମେହନତି ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଷୀକୂଳ ପାଇଁ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଗେଇ ନେବେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲା ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ କୁମାର ବର୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା କି 15 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିପିଲିକୁ ଗସ୍ତ କରିବେ, ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ କୁମାର ବର୍ମା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଯେହେତୁ ବିକାଶ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ରୁଦ୍ର ମହାରତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରତୀଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବେ। ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।